वारिस पंजाब दे का प्रमुख अमृतपाल सिंह इस समय आसाम की डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में बंद है। पुलिस लगातार अमृतपाल से पूछताछ करने में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक अमृतपाल ने पुलिस को कोई ठोस जानकारी नहीं दी है। पंजाब पुलिस के सूत्रों ने न्यूज 18 को बताया कि अमृतपाल सिंह अपनी फंडिंग के सोर्स का खुलासा करने से लगातार इनकार कर रहा है। अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने मोगा के गुरुद्वारे से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद से ही उसे आसाम के डिब्रूगढ़ जेल में रखा गया है। पुलिस सूत्रों ने न्यूज 18 को बताया कि पूछताछ के दौरान अमृतपाल ने संकेत दिया है कि उसे छोड़ दिया जाए तो वो अपराध की सीमा को पार नहीं करेगा। अमृतपाल सिंह ने कथित तौर पर पुलिस को ये भी बताया कि वो पंजाब में नशे की समस्या से लड़ने में मदद कर सकता है। पुलिस सूत्रों ने आगे बताया कि ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि वो फिर से अपना जनाधार बनाने की कोशिश तो नहीं करेगा। एक अधिकारी ने न्यूज 18 को बताया कि अगर वो शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू करता है और वो फिर से समर्थन जुटाता है तो ये खतरनाक हो सकता है, हमें ऐसा होने से रोकने की जरूरत है। इसके अलावा पुलिस ने बताया कि अमृतपाल को छोड़ दिए जाने पर वो फिर से उन्हीं काम को शुरू कर देगा जो वो कर रहा था। उसने पूछताछ के दौरान संकेत दिया है कि वो अपराध की सीमा को पार नहीं करेगा। वो अपनी इस लड़ाई को लंबे समय तक लड़ना चाहता है जो खतरनाक है। उसने पूछताछ के दौरान कहा कि वो ड्रग्स और ईसाई मशीनरियों द्वारा धर्मांतरण के खिलाफ लड़ेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि कोई अपराध ना हो। बता दें कि अपने कट्टरपंथ के जरिए उसने पंजाब में धीरे धीरे 1980 के दशक को फिर से पैदा कर दिया था। पंजाब में 1980 के दशक और 1990 के दशक की शुरुआत में पंजाब में उग्रवाद का डर वापस आ गया था। पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह को कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत रोड़े के एक गुरुद्वारे से गिरफ्तार किया था। रोड़े का प्रतीकवाद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भिंडरावाला का पैतृक गांव था। भारत की सुरक्षा एजेंसी को लंबे समय से शक है कि पंजाब में फिर से आतंकवाद को फैलाने के लिए पाकिस्तान की बाहरी जासूसी एजेंसियां और विदेशी सिख अलगाववादियों ने साजिश के तहत अमृतपाल को भारत भेजा था। बता दें कि अमृतपाल को पंजाब पुलिस ने 23 अप्रैल को मोगा के एक गुरुद्वारे से गिरफ्तार किया था। उसके बाद से उसे आसाम के डिब्रूगढ़ जेल में रखा गया है। यहीं पर उसके अन्य साथियों को भी रखा गया है। इसकी गिरफ्तारी NSA के तहत की गई है। अमृतपाल 18 मार्च से फरार था। फरारी के 36 दिन बाद उसकी गिरफ्तारी हुई थी।